जब ये सारी चीजें अब इसके बाद हमें आगे बढ़ना है कि बच्चे की अब एजुकेशन डेवलप होनी चाहिए, उसको हैंड राइटिंग स्किल्स सिखानी है, तो इसके लिए एक जो बेसिक होता है हैंड राइटिंग स्किल्स के लिए, एक कुछ जैसे कि ग्रैस्प होते हैं, जैसे कि पामर ग्रैस्प होता है जिसमें कि ऐसे करके पकड़ता है बिल्कुल, मतलब जो बड़ी मसल से, उसके बाद पिंसर ग्रैस्प होता है, और इसके अलावा आई हैंड कोऑर्डिनेशन। हैंड राइटिंग में ऐसा नहीं कि केवल बच्चा हाथ से लिख रहा है, जब वो देखेगा समझेगा कि यहाँ से और फिर ऊपर से नीचे तक आना है, एक एक चीज़ को, हाथ की मसल्स को, सारी मसल्स को यूज़ करना है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको उसकी ज़रूरत होती है। फिर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फाइन मोटर जो स्किल है, जो कि डायरेक्टली ये कनेक्टेड हो सकती है बच्चे की पुअर बैड हैंडराइटिंग की वजह से, वो है कि हाथों में इधर से उधर किसी चीज़ को घुमाना। अगर उसको पेंसिल को ऐसे करके वो घुमा नहीं पा रहा है और लिख नहीं पा रहा है, अपने पेपर से को आगे से हाथ को आगे पीछे नहीं ले जा पा रहा है, इन सारी चीज़ों को नहीं कर पा रहा है, तो उसकी वजह से भी उसकी हैंडराइटिंग ख़राब हो सकती है। पेंसिल पर अच्छी पकड़, ये भी बहुत ज़रूरी है, उसका विजन सही होना चाहिए और उसके सेंसेशन सही होने चाहिए। तो जब भी आप हैंडराइटिंग स्किल्स डेवलप कराते हैं तो आपको ये सारी चीज़ों को चेक करने की ज़रूरत है कि कहीं इनमें से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, उनको आप डेवलप कराइए और उसके साथ साथ आप एक एक प्रॉब्लम को सॉल्व करिए और तब आप उसके हैंडराइटिंग स्किल्स को डेवलप कराइए। तो हैंड राइटिंग स्किल्स के लिए क्या क्या ज़रूरी है डेवलप कराने के लिए, ये सबको पता है। पहली चीज़ तो जाने कि अक्षर क्या होते हैं, उनको पहचानना, फिर उनको देख करके पहचानना, उनको छू कर पहचानना, देख कर कोई काम करे कि हमने आगे देखा या बुक में देखा, अब ये ऐसा बना है, अब हम उसको देख कर हमें ऐसे लिखना है, फिर एक सीक्वेंस को फॉलो करना कि हमें पेंसिल यहाँ से यहाँ ले जानी है, एक के बाद एक लेकर जानी है, फिर हमें ये फॉलो करना कि एक ही लाइन पे बने रहना है, एक जगह हमें इसी लाइन पे ऐसे चलते चले जाना है। तो शुरू में उसके और कई टेक्निक्स होते हैं, ज़्यादातर टीचर्स हर बच्चे में भी डेवलप करते हैं कि दो बिंदु बना दिए, उन बिंदुओं को मिलाओ, फिर वो टेढ़े बिंदुओं को बना दिए, पहले सीधे बनाए फिर टेढ़े बनाए, तो ये सारी चीज़ें सिखा करके फिर अक्षर एक एक बनाना हाथ से, फिर मतलब ये जब पहचानना, एक सीक्वेंस को फॉलो करना, जब ये सब चीज़ें बच्चा सीख जाए तब हमें एक एक अक्षर उसको बनाना सिखाना होता है। इसके साथ साथ ये बताना है कि बाएं से दाएं जाना है, ऊपर से नीचे जाना, ऐसे नहीं कि कहीं पर भी कुछ भी लिखने लगे। आप शुरुआत में देखिए, अगर बच्चे को पेंसिल पकड़ाइए या क्रेयॉन पकड़ाइए, कहीं पर भी कुछ भी बनाएगा, उसमें कुछ नहीं होता कि आगे पीछे ऊपर नीचे, कुछ नहीं होता। अब जब आपको हैंडराइटिंग स्किल सिखानी है तो आपको ये समझाना है कि बेटा ये बायां है ये दायां है, इधर से इधर लाना है, पहले इधर लिखना है फिर ऊपर से नीचे जाना है, ये सारी चीज़ें बच्चे को समझाना है। हाथ पेंसिल और कागज़ के जो मूवमेंट हैं वो चीज़ उसको समझना है, समझाना है। फिर क्रॉसिंग मिड लाइन स्किल्स, मतलब कि हाथ यहाँ पर है तो इसी जगह नहीं, ऐसे आ करके फिर इधर से ऐसे आना है, मतलब मिड लाइन जो शरीर का है उसको क्रॉस कर रहा है, ये चीज़ें उसको सीखनी पड़ेंगी और समझनी पड़ेंगी। फिर बाईलैटरल कोऑर्डिनेशन स्किल, ये सारी चीज़ों को, एक हाथ से पेपर पकड़ा है बच्चा, दूसरे हाथ से लिख रहा है, उसको ऊपर नीचे कर रहा है, ये सारी चीज़ों को, उसको एक एक चीज़ पर आपको ध्यान देना। ये चीज़ आपको इसलिए समझना जरूरी है कि यूजुअली जब आप बच्चों को सिखाते हैं तो इतनी माइन्यूटली एक एक चीज़ पर ध्यान नहीं देते हैं, तब उसमें ये होता है लिखो ऐसे जाना है ऊपर से नीचे, लेकिन यहाँ पर ये बच्चा अपने आप, उसका ब्रेन ये चीज़ें नहीं समझ पा रहा है क्योंकि उसने नॉर्मली उस जगह कुछ है समस्या, तो आपको एक एक करके इन चीज़ों पर ध्यान देना है और फिर उसको सिखाना है, तो धीरे धीरे वो ब्रेन उसका अडाप्ट कर लेगा। अब हैंडराइटिंग को इम्प्रूव करने के लिए आपको क्या क्या कर सकते हैं कि जो हाथ की जो छोटी मसल्स हैं उनकी ताकत बढ़ाने की आपको कसरत करानी है। इसके बाद आपको जो रेजिस्टिव पुट्टी होती हैं उनकी हाथ से करके उसको दबाना, उस तरह की एक्सरसाइजेस करानी है। इन सारी चीज़ों से हाथ की मसल्स की ताकत बढ़ेगी। प्रॉपर सिटिंग पोस्चर होना चाहिए। लिखने के लिए आप देखिए, ऐसे लिखना मुश्किल होता है क्योंकि यहाँ पर फिर ये जो जॉइंट है ये जुड़ता है, ऐसे लिखना पड़ता है, तो इसलिए थोड़ा सा तिरछा लिखता है बच्चा, तो
तो आप थोड़ी सी उसकी स्लांटिंग राइटिंग सरफेस होनी चाहिए, तो वो उसकी आपको एक ध्यान रखना है, वो सिखाना है। मोटर प्लानिंग करनी है और विजुअल आपको ध्यान रखना ही है। विजुअल मोटर स्किल मतलब सामने देख रहे हैं, फिर आगे देखा, फिर नीचे आई आंख और फिर उसको लिखा, फिर देखा। तो ये चीज़ें ऑटोमेटिकली नहीं होती, इन सब की एक एक्टिविटी होती है। अगर इस समय प्रॉब्लम इसमें हो रही है कहीं पर भी, तो वो आपको ध्यान देना है कि कहीं इस वजह से तो नहीं हो रहा, और उसके ऊपर भी ध्यान देना है। अगर मान लीजिए कि ये चीज़ें आप बिल्कुल भी बच्चे की शुरुआत में प्रॉब्लम हो रही है, नहीं हो पा रहा है, तो शुरुआत में कुछ हैंड राइटिंग प्री राइटिंग एक्टिविटीज होती हैं, जिसमें कि आप डायरेक्ट पेंसिल देकर लिखवाने के बजाय मिट्टी या बालू में उसको शेप बनाना सिखा सकते हैं बच्चे को। पहले हाथ से बनाए, फिर उंगली से बनाए, फिर बड़ा बनाए, फिर छोटा बनाए, चॉकबोर्ड पर बनाए, और फिर जैसे दर्पण पे शीशे पर भी लिख सकता है, क्योंकि उसमें उसको दिख रहा है कि मेरा हाथ कैसे चल रहा है, तो उसमें बनाए। फिर अपनी आप अपनी उंगली से बच्चे की पीठ पर या हाथ के पीछे कुछ शब्द बनाइए, उससे उसको उस पर्टिकुलर उस शब्द का उसके अंदर सेंसेशन बनेगा और वो पहचानना, उसके दिमाग में पिक्चर बनेगी कि ये शब्द है। उसको पूछिए कि ये आपने ए बनाया, ये क्या है, मतलब आपने बोला नहीं, आपने कुछ बनाया, उससे पूछा, बच्चे ने बताया कि भाई ये ए है कि बी है। तो इस तरह से धीरे धीरे पहले उसके अंदर समझ डेवलप होगी, तो फिर आप उसको हैंडराइटिंग स्किल्स डेवलप करा सकते हैं। अब अगर आप ये देखें, यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक अरेंजमेंट किया गया है, क्योंकि बच्चों में अगर ग्रिप करने की क्षमता में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो इस तरह की चीज़ें अवेलेबल भी हैं, या आप कुछ अरेंजमेंट भी कर सकते हैं। आगे का जो हिस्सा है जहाँ पे वो पकड़ रहा है, उसको थोड़ा सा इस तरह से मोटा कर दें, कोई चीज़ बांध दें, या कुछ ऐसा रबड़ का पैड टाइप का लगा करके, जिससे कि उसको ग्रेस्ट करने में, पकड़ने में आसानी हो बच्चे को। एक ये हैंड स्प्लिंटिंग भी कर सकते हैं, जिसमें कि उसके हाथ की पोजीशनिंग और मसल्स की जो स्ट्रेचिंग है वो प्रॉपर हो सके, तो उसको आप कुछ समय के लिए करके रखें। जिस बच्चे के लिए ज़रूरत है, ये आपके थेरेपिस्ट आपको बता सकते हैं कि किस बच्चे को ज़रूरत है या नहीं है, और किस तरह की ज़रूरत है। तो इस तरह से हैंड स्प्लिंट्स आते हैं, आप उनको यूज़ कर सकते हैं। नाइट रेस्टिंग स्प्लिंट्स होते हैं, जो कि आप रात में बच्चा जब सो रहा है तो आपने बांध दिया, धीमे धीमे उसके जो जैसे थंब में देखिए आप, यहाँ पर प्रॉब्लम है, फ्लेक्सर डिफॉर्मिटी है, आपने इसको रात में बांध के रखा, तो धीमे धीमे रात भर में उसकी मसल्स में थोड़ा सा स्ट्रेचिंग होगी और वो डेवलप होगा, फिर आप उसकी हैंड फंक्शन एक्टिविटीज़ कराइए। इस तरह से थंब लूप स्प्लिंट आती है, जो कि हेल्प करती है ग्रेस्प करने की एक्टिविटीज़ में। ये एक स्पेसिफिक टाइप की थंब एबडक्शन स्प्लिंट है, जिसमें कि बच्चे में एबडक्शन को बढ़ाना है, तो आप उसमें इस तरह की स्प्लिंट आती है, जिसको मैकी थंब एबडक्शन स्प्लिंट कहते हैं। इसको आप बांध करके इसमें बच्चे को ये मसल्स की जो टोन है उसको डेवलप सही करा सकते हैं। सी बार स्प्लिंट है, इसको भी क्योंकि एडक्शन की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है बच्चों में, काफ़ी ज़्यादा अगर स्पास्टिसिटी है तो उसमें एबडक्ट कराने के लिए इसको भी यूज़ करा जा सकता है। थंब एबडक्टर स्प्लिंट है, सुपिनेटर स्प्लिंट है, जिन बच्चों में अगर प्रोनेशन की प्रॉब्लम है और सुपिनेट नहीं कर पा रहा है, तो अगर आपने सुपिनेटर स्प्लिंट यूज़ किया तो इस तरीके से हाथ आ जाएगा बच्चे का। हैंड गेटर आता है, अगर एल्बो में और लार्ज जॉइंट में प्रॉब्लम है तो उसके लिए हैंड गेटर का यूज़ करा जा सकता है। तो इस तरह के जितने भी ये जो ब्रेसिंग है, आप जो स्पेशलिस्ट हैं उनकी मदद से वो असेसमेंट करा करके किस बच्चे को किस चीज़ की ज़रूरत है, आप उसको यूज़ करके उसकी जो एक्टिविटीज़ हैं, उसकी जो मसल्स हैं, उसके जो जॉइंट्स हैं, उसको यूज़ कर इम्प्रूव करने में मदद कर सकते हैं। यहाँ पर इस फोटोग्राफ में आप देख रहे हैं कि कुछ असिस्टिव डिवाइसेस दिखाई गई हैं, जिनको कि आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक बाउल दिखाया गया है, इस बाउल में नीचे वैक्यूम लगा है, जिससे कि ये फिक्स हो जाता है टेबल पर, और जब बच्चा उसको यूज़ करेगा तो वो इधर उधर सरकेगा नहीं, गिरेगा नहीं,
और उसके साथ साथ इस तरह की स्पून्स और बाकी चीज़ें हैं जिनसे कि अगर आप उसको अपने आप खाना पीना सिखाना चाहते हैं तो उसमें मदद करेगा। इसका जो हैंडल है पैडेड है, मोटा है, तो उसको पकड़ने में बच्चे को आसानी होगी। अगर आप नीचे देख रहे हैं तो ये जो फोर्क है, फोर्क के साथ स्ट्रैपिंग करी गई है हाथ पे, ताकि उसको पकड़ने में अगर उसकी ग्रिप कमज़ोर है तो भी उसके हाथ से छूटे नहीं। आप टूथब्रश देख रहे हैं जिसमें कि वो भी पैडेड है और डिफरेंट तरह के इसमें शेप्स लगे हैं जिनसे कि बच्चों को पकड़ने में उसको आसानी हो सकती है। ये चीज़ें इसमें से काफ़ी सारी चीज़ें ओपन मार्केट में बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन ऑनलाइन काफ़ी कुछ अवेलेबल है, या कुछ आप अपने घर पे जो चीज़ें हैं उन्हीं को उसमें इस्तेमाल करके मैनिपुलेट करके उसको ये तैयार कर सकते हैं अपने बच्चे के हिसाब से। और उससे लेकिन मोटो हमारा ये है कि जितनी भी चीज़ें हो सके, जितने अपने काम हो सके, बच्चा खुद से करने की कोशिश करे और सीखे, जिससे कि धीमे धीमे वो सेल्फ डिपेंडेंसी की तरफ बढ़े। ये कुछ वेबसाइट्स हैं जिनमें कि डिफरेंट टेक्निक्स दी हुई हैं हैंड फंक्शन को इम्प्रूव करने की, लेकिन मैं यही कहूँगी कि बिना किसी के गाइडेंस के आप न करें, इनसे आइडिया लें काफ़ी कुछ, लेकिन एक बार शुरुआती असेसमेंट और गाइडेंस वो काफ़ी ज़रूरी है, तो आप इनको यूज़ करके करा सकते हैं। तो फाइनली जो हमारा मैसेज है वो यही है कि अगर बच्चे को सेल्फ डिपेंडेंट होना है तो उसके लिए सबसे ज़रूरी होता है कि वो अपने जीवन की जो दैनिक क्रियाकलाप हैं, डेली लाइफ की एक्टिविटीज़ हैं, वो उनको खुद से कर पाए। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको सभी पेरेंट्स को समझना पड़ेगा। हमने अक्सर देखा है ज़्यादातर पेरेंट्स का पूरा पूरा जोर होता है कि बच्चा चलने लगे, बैठने लगे, हाथ की एक्टिविटी के लिए जब जैसे कहो तो ये इम्पॉर्टेंट नहीं लगती, जबकि ये शायद सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बैठना बिल्कुल ज़रूरी है और बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसके बाद आपको नेक्स्ट जो कराना है, अगर उसको आत्मनिर्भर बनना है तो अपने हाथों से सब काम कर सके तो वो अपना जीवन चला पाएगा। और ये मालूम होना चाहिए, आप इस चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते, 50% लगभग बच्चों में हैंड की फंक्शन की प्रॉब्लम होती है, तो इसकी वजह से जो हाथ की गतिविधियां हैं उनके लिए ट्रेनिंग, उनका डेवलपमेंट, ये जो हमारा जो ट्रीटमेंट प्रोग्राम है पूरा, उसकी प्रायोरिटी बेसिस पर ये काम होना चाहिए। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि जरा सा कॉन्शियस हो, आप ध्यान दें तो घर में उपलब्ध हैं जितनी इसमें, जैसे कि बाकी चीज़ों के लिए आपको काफ़ी चीज़ें जुटानी पड़ती हैं, लेकिन हैंड फंक्शन को इम्प्रूव करने के लिए ज़्यादातर चीज़ें घर में अवेलेबल हैं, उनसे आप बहुत कुछ कर सकते हैं। या बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं स्टेशनरी शॉप से या कहीं से भी आप ला करके और उससे बहुत अच्छे से आप कर सकते हैं। तो अगर सही गाइडेंस और कंटिन्यूस अगर आप प्रैक्टिस करें तो उससे काफ़ी अच्छा परिणाम मिलता है। और मैं यही कहूँगी कि जैसा कि हमने बाकी सारी चीज़ों में कहा कि ब्रेन की ट्रेनिंग होनी बहुत ज़रूरी है, और बच्चे का ब्रेन जो होता है 5 साल तक में लगभग काफ़ी कुछ वो डेवलप हो जाता है। अगर आप कोशिश करें उसके पहले ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बच्चा सीख जाए तो उसको उस समय जो डेवलपिंग ब्रेन को सिखाना बहुत आसान होता है। तो कोशिश करें कि जितनी जल्दी से जल्दी इन चीज़ों को, बाकी जो एक्टिविटी है, फिजियोथेरेपी है और जो कुछ भी है, उसके साथ साथ हाथों पर पूरा ध्यान दें और उसकी एक्टिविटी शुरू से कराते जाए, वही बच्चे की आत्मनिर्भरता की तरफ एक सही कदम होगा। धन्यवाद। सेरेब्रल पाल्सी में अधिक जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल त्रिशला फाउंडेशन और JJN999 को सब्सक्राइब करें।